अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो सारे के सारे? आज का व्लॉग यार हमारा सेवर फूड्स कॉलेज रोड ब्रांच से रिलेटेड है, फूड व्लॉग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आने वाला है मेरा ये आने वाला व्लॉग, यानी जो भी कंप्लीट होगा आगे। और इसमें हमने इरादा किया कि जैसे पहले हम पिशावर रोड ब्रांच पे के जो न्यू बनी थी सेवर की, उसके बाद भी मैंने इरादा किया कि यार ब्लू एरिया सेवर चेक कर लेते, और अब हम कॉलेज रोड जो फर्स्ट ब्रांच थी सेवर की, यानी जहाँ से सेवर शुरू हुआ था, जो मेन ब्रांच थी 1990s में बनी थी, एक बाग सरदारा वाली ब्रांच काफ़ी पुरानी है और एक ये, लेकिन ज़्यादा ये पुरानी है मेरे ख्याल से कॉलेज रोड वाली। सो लोग इधर आते थे खाने के लिए और बड़ा मतलब मशहूर रही है यहाँ पे, इनका टेस्ट मुनफरद होता है, सुना है इसके बारे में। तो हम खाएंगे तो बताएंगे आपको क्या टेस्ट लगा, हमें कैसा लगा। और ये है कि जगह बड़ी इनकी क्वाइट मतलब अच्छी है, बड़ी बेहतरीन है, परफेक्ट है, कोई वो मसला नहीं है। लेकिन ये कि रश है इस रोड के ऊपर, तो ध्यान से जब आओ गाड़ी पार्क सही जगह पे करनी है, मुझे तो रश नज़र आ रहा है। Can you tell me what is going on inside your mind? Cause you're so hard to read, it's like you're tangled in the lines. Tell me one thing to do another, tell me where you stand. So ye andar se yaar, ye andar se hai Sever Foods College Road branch jo hai, theek hai, mujhe nahi pata khila kahan pe rahe hain ye, पार्सल कहाँ पे है इनका, यहाँ पे पार्सल आई थिंक सो। और पार्सल भाईजान सर्व कहाँ पे कर रहे हैं? ऊपर ऊपर सर्व कर रहे हैं, इधर कहाँ पे बैठने के? अच्छा वो पीछे, ठीक है सही हो गया। तो ऊपर भी ये सर्व कर रहे हैं और नीचे भी इनका है सर्विंग का सेटअप खुला हुआ है, तो देख लो यार अच्छी जगह है। यहाँ पे हम बैठ पहुँच गए खाने, जहाँ पे लोग खा रहे हैं वो जगह है, उस पर हर बंदा खा रहा है। इधर अब देखो कोई सीट मिलती है बैठने की अलग से, कोई नहीं, वो पीछे शायद कोई मिल जाए सीट, देखते हैं। इधर वो है कोने में बंदा, भाई ये तो फुल ऑफ फुल भरा हुआ है, इधर नीचे जगह ही कोई नहीं नीचे बैठने की। हम ऊपर जा रहे हैं हम, क्योंकि नीचे हमें जगह नहीं मिली बैठने की। हर बंदा खा रहा है खाना, दूसरी साइड पर फैमिलीज हैं, वहाँ पर मैं कैमरा नहीं कर रहा खुद ही, और नीचे भी भरा हुआ था, आपको बताया था जगह ही नहीं मिली, तो ऊपर आया हूँ, तो ऊपर अभी बड़ी मुश्किल से जगह मिली है टेबल के ऊपर, ठीक है। सो फिलहाल आपका भाई अकेला ही बैठा हुआ है इधर। ये है कि हर बंदा अपना देखें खा रहा है खाना। आगे अब हमारा, ठीक है ये देख लो आप, ये बोतल का ग्लास था जो 35 रुपये का दिया है इन्होंने, 35 रुपीज़ का। ठंडा है यार, सर्दी नहीं है, गर्मी सर्दियों का मौसम है तो ये गर्म होना चाहिए थोड़ा, लेकिन बड़ा ठंडा है। और ये रायता और साथ सलाद और ये पुलाव कबाब है, ठीक हो गया, दिस इज़ पुलाव कबाब, ये सेवर फूड्स का पुलाव कबाब हो गया। और इधर जगह कम होती है, आपको पता है अकेला बंदा खा नहीं सकता, अभी दो भाई और भी आगे बैठ गए सामने, सो ये बात है सारी के साथ। सो अब यार मैंने तो खाना खा लिया, ठीक है, यहाँ पर बड़ा अच्छा लगा मुझे आगे खाना खा के, बड़ी अच्छी सर्विंग की है इन लोगों ने, बड़ा अच्छा प्यार दिया है, बड़ा मोहब्बत दी है यहाँ पे, अच्छा करते हैं। यानी आप एक चीज़ होती है आपको चीज़ पसंद आए, मुझे पसंद आई है, ठीक है, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आई वो भी मैंने बतानी है आखिर में। बाकी ये कि जगह बहुत अच्छी है यार, ठीक है, तो ज़रूर आओ ट्राई करो, और पसंद आया बहुत ज़्यादा मुझे तो। बाकी दो भी मैंने ट्राई किए हैं, इस्लामाबाद वाला भी और ये वाला भी, उसके लिए मुझे दोनों से ये ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे लोग भी बहुत आए हुए हैं, ठीक है, और रश भी काफ़ी है इधर, और उसके अलावा क्या नाम है, यहाँ पे सर्विंग भी बहुत अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है, लेकिन ये है कि बस वही बात आ जाती है कि क्या नाम, जब बंदा आए टाइम निकाल के तभी आ सकता है। तो मैंने कहा यार, जब भाइयों ने कहा फूड ब्लॉग का तो ज़रूर बनाना चाहिए फूड ब्लॉग, लेकिन इसको प्रमोट करना पड़ेगा यार, हमें जितना ज़्यादा हम कर सकते हैं हमें करना पड़ेगा, मेहनत कर रहे हैं आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि कस्टमर जो है वो आपसे राज़ी हो, ठीक है, वो आपसे जब राज़ी हो जाए तो फिर मसला ही नहीं रहता, फिर बात ख़त्म हो जाती है, फिर आप ये कहो कि भाई के अल्हम्दुलिल्लाह, अगर चीज़ अच्छी नहीं थी या बुरी थी उसका फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है तभी पसंद आती है। इनका जो कुछ अगर मैं कहूँ कि बेहतर करने वाली चीज़ है, तो एक ये हुआ कि जब मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डर किया तो उस टाइम काफ़ी डिले इसने किया, जो नहीं करना चाहिए था, मतलब जब एक कस्टमर आपको एक चीज़ कह रहा है कि उसे फ़ौरन उसी टाइम करो आप, ठीक है, डिले ना करो, ये डिले नहीं होना चाहिए था। बाकी है कि इनका भी वही स्कूप होती है साथ, रिफ़्रेशमेंट वाला सेटअप भी शुरू किया हुआ इधर भी इन्होंने,
और उसमें ये है कि आइसक्रीम होती है 50 का एक स्कूप है, ठीक है, और 85 के दो, 115 का तीन, ठीक है, इस तरह होता है। 85 कहते हैं 85 को, क्योंकि कि जी मुझे अब नहीं आती, तो उसके लिए कन्फर्म कर दे, मैं बंदा दोबारा बता दूँ। तो अब यार उठ गया आपका भाई, ठीक है, उन जगह से उठ गए हम और इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि एंड कर दिए। व्लॉग बेसिकली फूड व्लॉग का ही काम होता है कि जो बंदा है उसको बताया जाए कि यार जगह कैसी लगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये बताई जाए कि क्या नाम है, क्वालिटी की कैसी है जगह की। और थर्ड मेन चीज़ जो है वो ये बताई जाए कि खाना खा के हमें अच्छा लगा इधर बहुत ज़्यादा। सो ओवरऑल बड़ा अच्छा लगा यार इधर आके, ठीक है, इनका बड़ा अच्छा निज़ाम था, बड़ा हमें अच्छी लगी है जगह। जगह अंदर फुल है, होती है, नीचे तो हमेशा फुल होता है जब तो खाने का टाइम होता है। आम टाइम पे जब आप आओगे तो सही बात है, आपको फिर और तरह का महसूस होगा, आपको और तरह की लगेगी चीज़। सो इस तरह का है सारा सेटअप। लेकिन ये है कि रश था इधर काफ़ी, जो कि अब खाली हो चुका है काफ़ी, जब आया था तो पूरा रश था, अब जो है यहाँ पर लोग काफ़ी कम हो गए हैं। तो ये कहा जा सकता है यार कि लोग बहुत आते हैं इधर, और सेवर पिंडी की जान है। तो चलो यार, अब मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज का फूड ब्लॉग तो हो गया मुकम्मल, नेक्स्ट फूड ब्लॉग आप लोग कमेंट में बताया करो कि किस जगह जाना चाहिए हमें, क्योंकि इतना तो पता नहीं, देसी लोग हैं हम लोगों का यहाँ से ही सरोकार रहा है सारी जिंदगी, सेवर टेस्टी फूड और कहीं जो इस तरह के रिलेटेड हैं उनसे रहा है। हक भोग हो गया तो साबरी हो गया, आप बताओ हमें यार किधर जाना चाहिए, चावल से रिलेटेड हो, वैसे पसंद भी हैं बहुत ज़्यादा, तो जो जगह है वो बताओ ताकि हम उधर आएँ, आगे एक्सप्लोर करें जगह को। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, ठीक है, आगे जितना फैला सकते हो मेरी भाइयों फैलाओ, मेरे भाइयों मेरी जानों फैलाओ, ठीक है। और ये है कि उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा ब्लॉग आज का, मैंने कोशिश की है कि सब कवर करूँ थोड़े टाइम के अंदर, तो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा आपको, सोलो ब्लॉग था ये भी पसंद आया होगा। और बस यही है कि दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को देखा करें, पूरा देखा करें, और फिर इजाज़त दें अपने मेज़बान इब्राहिम को। खुदा हाफिज़, और देखते रहिए।